जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं यूट्यूब चैनल अपडेटेड हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, एसएससीटी 2022 वाले कैंडिडेट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक सीआरपीएफ का इंटरनल नोटिस लीक हुआ है। उसी नोटिस के अंदर आपके यहाँ पर ज्वाइनिंग यानी कि ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर मिलने वाला, उसकी डेट मेंशन है। साथ ही यहाँ पर आपका रिजल्ट को लेकर भी अपडेट है और आप लोगों का यहाँ पर ट्रेनिंग डेट यानी कि दो बेच में बनने वाला ट्रेनिंग, उसका ट्रेनिंग डेट भी आ चुका है इस लेटर के अंदर। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप एग्जिट ऐसा कैसा लेटर देखना चाहते हैं, ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके आप इसे देख सकते हैं। बाकी मैं आपको पूरी जानकारी देने के लिए आपको इसे हिंदी में ट्रांसलेट करके दिखा देता हूं। फ्रेंड्स देखिए, हम इसे हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं ताकि हमें पूरी जानकारी यहाँ पर आप लोगों को मिल जाए, यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो ऐसा ऐसा आप देख पाओ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे ऊपर इसके अंदर जो लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है लेटर के अंदर, क्योंकि गृह मंत्रालय ने 30 अगस्त 2023 को निर्धारित रोजगार मेले के दौरान नियुक्ति पत्र सौंपने के लिए सीटी जीडी परीक्षा 2022 के उम्मीदवार को शामिल किया है। तो आपका जो रोजगार मेला है उसके अंदर आपके जीडी वाले कैंडिडेट्स को भी लेटर मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपका पूरा अपडेट है ये। इसीलिए सभी चयनित तो उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र का अंतिम प्रस्ताव शीघ्रता से जारी किया जाना आवश्यक है। तो यहाँ पर ये जानकारी दी गई है। साथ ही यहाँ पर देखिए जो नीचे दिया गया है, जो यहाँ पर चयनित तो उम्मीदवारों को डोजर एकत्रित करने और नियुक्ति पत्र के अंतिम प्रस्ताव जारी करने के लिए आवश्यकता के अनुसार बूथ और स्थानों का अग्रिम विवरण देना है। तो यहाँ पर इनसे बोला गया कि कहाँ पर आपको लेटर दिया जाएगा, कौन सी जगह रोजगार मेला होने वाला, तो उनके बूथ यानी कि जगह और स्थानों का निर्धारण किया जाए। साथ ही डोजर एक्टर यहाँ पर आपका डोजर एकत्रित किया जाए, मतलब कि आपकी जानकारी ली जाए एसएससी से कि कैंडिडेट का नाम वगैरह लिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर आपका एड्रेस, ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर वगैरह लिया जाएगा ताकि आपसे कॉन्टेक्ट किया जा सके रोजगार मेले में लेकर, आपको रोजगार मेले में बुलाया जाएगा। उसके लिए आपको पहले ही यहाँ पर सीआरपीएफ के द्वारा कॉन्टेक्ट किया जाएगा, क्योंकि सीआरपीएफ में जो कैंडिडेट सिलेक्टेड हुए हैं उनका यहाँ पर लेटर है, सीआरपीएफ ने जारी किया। तो आपके जिस भी पोस्ट में सिलेक्शन होगा उस पोस्ट के द्वारा आपसे कॉन्टेक्ट किया जाएगा रोजगार मेले को लेकर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला गया तो ये जो रोजगार मेला है उसको यहाँ पर जो कैंडिडेट्स के डोजियर मांगे गए हैं एसएससी से, तो यहाँ पर जो एसएससी है उसका यहाँ पर विवरण दिया गया है। एसएससी के जितने भी यहाँ पर रीजन्स है तो यहाँ पर इनको यहाँ पर सौंपा गया है। देखिए ये रीजन्स है, यहाँ से जानकारी मांगी गई है कैंडिडेट्स की कि आप ये हमें जानकारी दो कौन सा कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, हम उनसे कॉन्टेक्ट कर सके रोजगार मेले को लेकर और उन्हें यहाँ पर उनका ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर दे सके। देखिए फ्रेंड्स, जो यहाँ पर नीचे जानकारी दी गई है, बुनियादी परीक्षण का मतलब कि आपकी बेसिक ट्रेनिंग के लिए 20 उम्मीदवारों को वितरण और नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाएगी, जैसा कि उचित रिकॉर्ड और एक रूपता बनाए रखने के लिए सीटी जीडी परीक्षा 2021 की पिछली भर्ती के दौरान किया गया था। जैसा कि जीडी 2021 की वैकेंसी के अंदर भी कैंडिडेट्स को यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर रोजगार मेले में दिया गया था। जो मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिला था फ्रेंड्स सीआईएसएफ का 2021 वाली वैकेंसी का, वो यहाँ पर 22 नवंबर को मिला था और मुझे यहाँ पर ऑनलाइन मिला था, ईमेल आईडी पर मिला था। तो वही चीज, वही प्रोसेस होने वाली है आप लोगों को भी। सेम तरीके से ही आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। कुछ कैंडिडेट्स को यहाँ पर सेंटर्स पर बुलाया जाएगा, कुछ लोगों को यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर दिया जा सकता है। बाकी कैंडिडेट्स को जैसे कि आपका नियरेस्ट कोई भी डिफेंस का क्वार्टर हो गया, यहाँ पर हेडक्वार्टर हो गया, वहां पर बुलाया जा सकता है। तो यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स को सीआरपीएफ अजमेर के अंदर बुलाया गया था पिछली बार, तो वहां पर कैंडिडेट्स को दिया गया था सीआरपीएफ वालों को। बाकी बीएसएफ वालों को बीएसएफ के किसी हेडक्वार्टर में बुलाया गया था। ऐसे करके सभी डिफेंस के अंदर अलग अलग जगह आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर दिए गए थे। तो इस बार भी आप लोगों का जिस भी पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ था उसी पोस्ट के अंदर आपको बुलाया जाएगा और वहां पर ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। देखिए, और यहाँ पर देखिए आपका जो ट्रेनिंग सेंटर है उसको भी लेकर यहाँ पर पूरी जानकारी दे दी गई है। आपका जो ट्रेनिंग है फ्रेंड्स यहाँ स्टार्ट होने वाला है, तो आपके दो बैच स्टार्ट होंगे यहाँ पर। जो एक फर्स्ट बैच है वो यहाँ पर 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है और सेकंड बैच आपका 21 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, आप लोगों का वन मंथ का आप लोग से यहाँ पर आपको टाइम मिल रहा है, वन मंथ से भी ज्यादा टाइम मिल रहा है आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाने के लिए। मैंने पहले ही बोला था कि मेरे को भी यहाँ पर वन मंथ से अधिक का टाइम मिला था, तो आप लोगों को भी इतना सा टाइम मिलने वाला। सभी चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति प्रस्ताव डोजियर प्राप्त होने के तुरंत बाद तैयार किया जाएगा ताकि ओए और सीआरपीएफ के प्रतिनिधि के माध्यम से भौतिक प्रारूप में भेजा जा सके, ताकि आयोजित होने के वाले रोजगार मेले के समय स्थल समन्वय तक पहुंच सके। तो आपका पहले लेटर वगैरह तैयार किया जाएगा फिजिकली रूप से, जो आपका लेटर बनने वाला है, फिर उसे यहाँ पर आपके जो रोजगार मेला होने वाला वहां पर भेजा जाएगा 30 अगस्त को, और प्रत्येक स्थान पर भेजे जाने वाले आवश्यक WOS की संख्या अलग से सूचित की जाएगी। देखिए यहाँ पर जो आगे जानकारी दी है, अन्य सभी उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रस्ताव डोजियर स्क्रूटी बोर्ड द्वारा 30 अगस्त को स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जाएगा। देखिए कुछ कैंडिडेट्स का जहां पर रोजगार मेले में बुला लिया जाएगा उन्हें रोजगार मेले में ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा, बाकी अगर कोई कैंडिडेट बाकी रहता है तो उन कैंडिडेट्स को यहाँ पर स्पीड पोस्ट के द्वारा ही आने वाला। देखिए इतना आपका 50,000 वैकेंसी सभी कैंडिडेट्स को तो है, ऐसा नहीं है कि रोजगार मेले के अंदर बुला लिया जाए और आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाए। तो कुछ कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, वो फॉर्मेलिटी होती है मीडिया वगैरह के अंदर, आपको आपका इंटरव्यू वगैरह लिया जाएगा, जो अच्छा दिखाना होगा वो दिखाया जाएगा। बाकी जो मैक्सिमम कैंडिडेट है उन्हें यहाँ पर आपके ईमेल आईडी पर आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा उसी दिन, और बाकी आपको स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजा जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर स्पीड पोस्ट के द्वारा आपका ज्वाइनिंग लेटर आने वाला, उसके अंदर थोड़ा सा सावधानी रखना फ्रेंड्स। स्पीड पोस्ट के द्वारा ज्वाइनिंग लेटर आपका 2 से 3 दिन में आ जाता है, मैक्सिमम 2 दिन के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर आपको अपने जो भी डाक विभाग है उसके अंदर जाके कॉन्टेक्ट कर लेना, उन्हें बोल देना कि भाई मेरा ये
इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आने वाला है, मुझसे कॉन्टेक्ट में रहना या फिर मेरा जो भी डॉक्यूमेंट्स आए मुझ तक पहुंचाना, किसी और को मत देना। कई बार होता है कि आपका एड्रेस वगैरह उसमें कन्फ्यूजन होता है, डाकिया किसी और को दे देता है, वो आपको टाइम से नहीं मिल पाता, तो आपको यहाँ पर अपने डाकिया से कॉन्टेक्ट कर लेना है पहले ही जाके पोस्टमैन से कि भाई मेरा डॉक्यूमेंट्स आने वाला, ज्वाइनिंग लेटर आने वाला, ये मेरे को देना है। तो यहाँ पर आपको आसानी हो जाएगी, आपका डॉक्यूमेंट्स आप तक सुरक्षित पहुंच जाएगा फ्रेंड्स। बाकी आपको मेल पर आने वाला आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो आप उनको भी यहाँ पर प्रिंट आउट निकलवा कर उनसे भी आप अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी करवा सकते हो। अपना टेंशन फॉर्म, करेक्टर सर्टिफिकेट, एसोसिएशन करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपॉइंटमेंट लेटर आने वाला उससे यहाँ पर प्रिंट करवा के अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा लेना। बाकी उसमें मैं पूरा डिटेल वीडियो बना दूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 30 अगस्त को आपको रोजगार मेले के अंदर ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा और बाकी कैंडिडेट्स को यहाँ पर मेल पर आ जाएगा। तो अब बात करते हैं रिजल्ट कब आएगा। देखिए फ्रेंड्स, कम से कम आपका रिजल्ट है 10 से दिन पहले जारी किया जाना जरूरी है, बाकी क्योंकि इतनी सारी प्रोसेस होगी तो इसमें टाइम लगने वाला है। तो मेरे को यहाँ पर लगता है कि आपका 15 अगस्त बाद कभी भी रिजल्ट आ सकता है, हो सकता है कि यहाँ पर आपका 16 अगस्त को आ जाए, 15 अगस्त को भी आ जाए, पर मैक्सिमम चांस है कि यहाँ पर आपका 15 अगस्त के बाद कभी भी आ सकता है। तो यहाँ पर 20 अगस्त से पहले रिजल्ट आएगा, 15 अगस्त के बाद कभी भी आ सकता है। 15 अगस्त का मतलब 16 अगस्त को आ सकता है, 17 अगस्त को आ सकता है, मैक्सिमम चांस आपका 15, 16 और 17 अगस्त को है, बाकी बहुत कम चांस है कि 20 अगस्त तक आपका डेट जाए। तो आई होप आप लोगों का रिजल्ट जल्दी देखने को मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो किसी और अपडेट के साथ। जय हिंद फ्रेंड्स।